दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th खर्चे की दिक्कत और एक काम बंद पड़ा है अभी मॉल में काम करती हूं मैं मॉल बंद पड़ा है अभी तो इसलिए परेशानी हो रही थी कौन सी जगह कर्फ्यू क्षेत्र में रहते हैं कर्फ्यू क्षेत्र में रहते हैं बैंक भी बंद हो रही है बैंक बंद हो रही है डिग्गी बाजार वाले आज आपने पैसे कैसे निकले आज डाक द्वारा पैसे निकलवाए ये सुविधा अच्छी लगी तो आपके घर आए ये हाँ अच्छा कितने पैसे निकले आप 1000 रुपए निकलवाए आपको हाथों दिए पैसे हाँ क्या मानते हो ये अच्छी सुविधा अच्छी सुविधा है घर टू घर आ रहे हैं आपके हाँ क्या धन्यवाद देना चाहते हो उनको हाँ आपका नाम मोहिनी परेशानी ये आ रही थी कि हम लॉकडाउन में फंसे हुए थे हमको पैसा मिल नहीं रहा था हमारे घर आकर के इन्होंने बहुत अच्छी सुविधा दी हमें और मेरा पंजाब एंड सिंध बैंक में खाता नंबर है उसमें मैं गया वो लॉकडाउन से ही बंद पड़ी है अब कारण क्या है कि ये घर पे आए तो हमें बहुत अच्छी लगी सुविधा कि पोस्टमैन आया हमारे घर पे आकर के हमें 10,000 रुपये का भुगतान किया क्या है क्या रहा? मैं आधार से लिंक है मेरा बायोमेट्रिक से उस तरीके से पैसे निकलवाए मैंने 10,000 रुपये और मेरे को इन्होंने दे दिए पैसे सही सुविधा भाई बहुत अच्छी सुविधा है कुछ कहना चाहोगे जिस तरीके से ये पूरे शहर में घर घर जाके पैसे बांट रहे हैं पूरे शहर में अंदर क्या जहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पे जा करके ये पैसे बांट रहे हैं और इनको बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से कि भाई यानी कि मतलब पब्लिक की सुविधा अच्छी तरीके से ये निभा रहे हैं राजू लाल AEPS आधार इनेबल पेमेंट के जरिए दे रहे हैं हम इनको और आधार से ही दे रहे हैं मतलब इनको बैंक का नाम आधार और जैसे इनके खाते में पेमेंट होता है तो ये बोल देते हैं इनको इंक्वायरी कर दो बता दो फिर इनके जरिए हम पेमेंट निकाल के दे रहे हैं क्या प्रोसेसिंग रहता है वैसा भी निकालने का मतलब आधार के और बायोमेट्रिक अंगूठे से और आधार से निकलता है इनका OTP वगैरह हाँ OTP आती है इनके मोबाइल नंबर चाहिए उससे OTP आती है वो कितनी पेमेंट दे रहे हो आप मतलब 10,000 की लिमिट है ज़्यादा से ज़्यादा और बाकी कितना भी ले सकते हैं 5,000 कितने कैश बांट सकते हो एक दिन में 1,00,000 एक पोस्टमैन 1,00,000 बांट सकते हैं कितने पोस्टमैन होंगे ऐसे जो पूरे सब हम 32 पोस्टमैन हैं अजमेर एच ओ के अजमेर GPO से 32 पोस्टमैन हैं बाकी जैसे TSO उसमें भी अलग अलग हो रहे हो अभी कितने पैसे बांट चुके हैं आपको 40,000 बांट चुके हैं अभी कौन से क्षेत्र में आए हो आप ये नवाब का बेटा बोलते हैं इसको ये आए हुए क्या किस तरह के माहौल है लोगों में क्या आ रहे हैं लोग आते हैं खूब मतलब पैसों के लिए परेशान हो रहे हैं वो पैसे नहीं मिलते बैंक बंद रहती है वो जाते भी है लेकिन वह परेशान रहते हैं वो कर्फ्यू क्षेत्र है तो बाहर नहीं निकल आप घरों में हम घर जा जाके दे रहे हैं आपका नाम राजेंद्र सिंह नाम है मेरा